खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी अजीब बात है, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्हें जरूर देखा होगा उन्होंने कि ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग था नो टू जय श्री राम। जो लोग इसे लेकर ट्वीट कर रहे थे उन्हें आज एक तस्वीर देखनी चाहिए। यह तस्वीर भारत से दूर जापान से आई है। जापान के शहर कोबे से यह तस्वीर आई है। पीएम मोदी ने यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और जब मोदी ने भाषण अपना खत्म किया तो भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम बोला गया। सबसे चौंकाने वाला था जय श्री राम का नारा। जब जापान में भी जय श्री राम के नारे लगने लगे तो समझ जाइए मोदी का जादू पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोलने लगा। ये नारेबाजी तब हुई जब G20 सम्मेलन के लिए जापान गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। पीएम जैसे ही कोबे शहर के इस ऑडिटोरियम में पहुंचे तो कुछ इस तरह से उनका स्वागत। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जापान के भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने हिंदी में अपना भाषण दिया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने जैसे ही जापानी में सबको नमस्कार किया तो वहां मौजूद लोग एक बार फिर उत्साहित हो गए। आप सबको नमस्कार, कोन्निचिवा। मोदी ने चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का जिक्र किया। इसके लिए जापान में रह रहे भारतीयों की भी तारीफ की और भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्त में जापान में रहने वाले भारतीयों का सम्मान और बढ़ेगा। भारत का टैलेंट और मैन पावर यहाँ जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहा है। साथियों, न्यू इंडिया में हमारा ये सहयोग और व्यापक होने वाला है। हम आने वाले 5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही मोदी का भाषण खत्म हुआ एक बार फिर पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मोदी अभी पानी पी ही रहे थे कि वहां भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगने लगे। और इसके बाद जय श्री राम के नारों के साथ मोदी के इस कार्यक्रम का अंत हुआ। भारतीय समुदाय के साथ इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की और उन्होंने सबसे पहले शिंजो आबे को धन्यवाद दिया। चुनाव पूर्ण होने के तुरंत बाद आप पहले भारत के मित्र थे जिन्होंने तुरंत टेलीफोन करके मुझे बधाई दी और आज फिर से आपने बधाई दी। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओसाका में हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। तय हुआ कि भारत और जापान आपदा रोधी निर्माण और प्रबंधन में साथ मिलकर काम करेंगे। श्रीलंका के पोर्ट की तरह भारत और जापान म्यांमार और बांग्लादेश में संयुक्त परियोजनाएं शुरू करेंगे। भारत के पूर्वी हिस्से को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और अमेरिका की तरह ही भारत जापान के साथ इस साल होने वाली शिखर बैठक से पहले 2+2 यानी दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के फॉर्मेट को शुरू करेंगे। फिलहाल G20 सम्मेलन में सबकी नजर मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात पर है। तो G20 का मंच भारत के लिए एक मौका है, न सिर्फ दुनिया के बड़े देशों के सामने अपनी बात रखने का बल्कि अमेरिका की दादागिरी का भी जवाब देने का।
एक तरफ अमेरिका दोस्ती की बात करता है, अपने विदेश मंत्री को मोदी ट्रंप बातचीत की बुनियाद तैयार करने के लिए भारत भेजता है, लेकिन जब भारत राष्ट्रहित की बात करता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर धमकी देते हैं। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्विटर को भी धमका रहे हैं जिसके जरिए वो भारत से नाराजगी जता रहे हैं। वो इस कदर गुस्से में है कि गूगल, ट्विटर और फेसबुक को अपनी विरोधी पार्टी का समर्थक बता रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक ट्रंप के लिए है, दोस्ती का बहाना कारोबार पर निशाना।